जय माता दी। मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी, स्वागत है। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं मीन राशि के मंथली राशि फल के बारे में कि मीन राशि की कैसी होगी धन की, स्वास्थ्य की, परिवार की स्थिति, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति। और फरवरी का महीना मीन राशि के लिए बड़ा खास रहने वाला है। तीन बड़े लाभ मीन राशि को मिलने वाले हैं, वो भी 5 फरवरी के बाद एक ग्रह का ऐसा ट्रांजिट होगा कि तीन बड़े लाभ मीन राशि को मिलेंगे। अब वो कौन सा ग्रह है जिसके ट्रांजिट से आपको लाभ होगा, इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। सबसे पहले फरवरी के महीने की हम जो है मंथली कुंडली के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो ये मीन राशि की कुंडली आ रही है, आप देखिएगा, राहु मीन राशि में ही बैठे हैं, अभी इसका ट्रांजिट नहीं होगा। गुरु मेष राशि में बैठे हैं और कहीं ना कहीं देखा जाए तो सप्तम भाव में आपके चंद्र केतु दोनों कन्या राशि के अंदर बैठे हैं, और दशम स्थान के अंदर धनु राशि के अंदर मंगल, शुक्र और बुध, ये तीन ग्रह दशम स्थान में आपके बैठे हैं फरवरी में। हालांकि ये टेम्परेरी बैठे हैं, एक ग्रह 5 तारीख को, एक ग्रह 20 को, एक ग्रह आपका 12 तारीख को निकल जाएगा। टेम्परेरी फेज में ये युति बनी है, लेकिन इसका प्रभाव मीन राशि पे पूरा फरवरी में पड़ने वाला। आप क्या पड़ेगा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले 5 फरवरी को मंगल का मकर राशि में गोचर होगा, मंगल उच्च राशि में प्रवेश करेंगे और आपकी कुंडली में लाभ भाव में बैठेंगे, यानी आपकी राशि से मंगल लाभ भाव में बैठेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके लिए लाभ वाली स्थिति बनाएंगे। धनपद लाभ आपको होने के योग बन रहे हैं फरवरी के महीने में। साथ ही साथ विदेशी इनकम आपको प्राप्त होगी, या अगर आपका विदेश से संबंधित, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित कोई काम है तो आपका रुका हुआ काम बनने के योग बनते हैं, डॉलरों में आपको इनकम प्राप्त होगी। साथ ही साथ भूमि वाहन को बुक करने का भी योग बनता है, या भूमि वाहन कुछ अटकाव है, रुका हुआ काम है, तो वो होने का योग बनता है। तो यहाँ पर मंगल का जो 5 फरवरी के बाद गोचर है मीन राशि के लिए बड़ा लाभकारी है। बाकी अब हम बात करेंगे जनरल प्रेडिक्शन के बारे में कि कैसी होगी स्वास्थ्य, धन और सारी चीज़ों के बारे में। यदि आप मीन राशि के हैं और करंटली मीन राशि में अभी शनि की पहली रहिया चल रही है और 6 साल अभी 7.5 ही चलेगी, तो ऐसे में मीन राशि वाले अगर धन से या किसी गंभीर समस्या से परेशान है तो 7210124289 ये मेरा WhatsApp नंबर आ रहा है। आप देश में बैठे, विदेश में बैठे, गांव में बैठे, शहर में बैठे, बेंगलोर में बैठे, मुंबई में बैठे, दिल्ली में बैठे हैं और परेशान हैं, तो परेशानी मत सहिए, WhatsApp कीजिए, उस पर आप सही डिटेल भेजिए, नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और अपनी समस्या, और मुझसे टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक कीजिएगा और अपने उपाय पाएं और उपाय करें, ये याद रखिएगा। चलिए अब हम फरवरी के महीने में स्वास्थ्य के बारे में, मीन राशि के बारे में चर्चा करेंगे। तो स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो 1 से लेकर 29 फरवरी के बीच में स्वास्थ्य आपका नॉर्मल रहेगा, यानी कि स्वास्थ्य में कोई बड़ा बदलाव फरवरी में नज़र नहीं आ रहा। हाँ, कुछ आप धार्मिक किताबें पढ़ने वाले हैं फरवरी के महीने में, कुछ आप मंत्र जाप करने वाले हैं, किसी गुरु के घर आप जाके कोई दीक्षा लेने वाले हैं, कुछ साधना आप करने वाले हैं, यानी आध्यात्मिक बदलाव मीन राशि पे पॉसिबल है कि फरवरी के महीने में आ जाए। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति मीन राशि के 2 भागों में बढ़ती है। 1 तारीख से 5 फरवरी तक, ये जो 5 दिन है ना फरवरी के शुरुआती, इसमें खर्चा ही खर्चा रहेगा, वाहन पे खर्चा, मोबाइल पे खर्चा, इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे खर्चा, यानी इसमें आपके पैसे बहुत खर्च होने वाले हैं। फिर 6 तारीख से 29 फरवरी के बीच में देखा जाए मंगल का गोचर मकर राशि में रहेगा, यानी कि जैसे ही मंगल मकर राशि में उच्च राशि में ट्रांजिट करेंगे तो 3 बड़े लाभ मकर राशि को होने वाले, मीन राशि को होने वाले हैं। पहला, आपकी धन संबंधी कोई बड़ी डील फरवरी में बन सकती है, रुका हुआ मार्केट में फंसा हुआ धन मीन राशि का मिल सकता है। तीसरा, शेयर या इन्वेस्टमेंट में रुके हुए पैसे आपके बढ़ सकते हैं, या कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ हो रहा है। तो कुल मिला के 5 तारीख के बाद धन की स्थिति आपकी बहुत बहुत बेहतर हो जाएगी मीन राशि वालों, और विपरीत कोई समस्या है तो मैंने कहा व्हाट्सएप करें। साथ ही साथ अब बात कर लेते हैं परिवार भाव के बारे में। तो परिवार भाव में अगर देखा जाए तो पूरा फरवरी का महीना सही है, पारिवारिक जीवन ठीक नज़र आ रहा है, परिवार के साथ में किसी शादी समारोह में जाने के योग बन रहे हैं। साथ ही साथ परिवार के किसी सदस्य या घर के लिए आप ऑनलाइन कोई चीज़ खरीदने वाले हैं, यानी फरवरी में पारिवारिक रिलेशन काफ़ी अच्छा है। अब बात करें मीन राशि वाले उनकी जिनकी छोटी बड़ी संतान है, तो संतान भाव के बारे में बात करें तो संतान भाव के स्वामी चंद्रमा है, चंद्रमा केंद्र में चंद्र केतु के साथ बैठे हैं,
चंद्र केतु का योग बहुत अच्छा नहीं होता, ठंडा गर्म का योग होता है, तो छोटी संतान को फरवरी में ठंडी चीज़ों से परहेज करना है, नहीं तो निमोनिया, श्वास की प्रॉब्लम या फेफड़ों की संबंधी प्रॉब्लम या ENT समस्या छोटी संतान को हो सकती है फरवरी में, उनको डॉक्टर के ट्रीटमेंट या दवाई का ट्रीटमेंट करना पड़ सकता है। बड़ी संतान के बारे में बात करें तो भाई उनको पेट की समस्या रह सकती है और एकाग्रचित्ता की कमी रहेगी, यानी चाहे छोटी संतान हो बड़ी संतान हो थोड़ा सा परेशानी फरवरी में दिखाई दे रही है। अब बात करें विद्यार्थियों के बारे में, स्टूडेंट के बारे में, तो फरवरी के महीने में दो बड़ी घटनाएँ आपके साथ हो सकती है। पहला, माता पिता से किसी टॉपिक को लेकर, किसी नाजायज डिमांड को लेकर जबरदस्त डांट मिल सकती है, मतभेद हो सकता है। दूसरा, आपको हल्की चोट लग सकती है, तो थोड़ा विद्यार्थियों को सावधान रहने की ज़रूरत है। अब बात कर लेते हैं मीन राशि वाले, उनकी जो नौकरी करते हैं चाहे प्राइवेट चाहे गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तो उनका जो फरवरी का महीना है दो भागों में बढ़ता है। पहला, 1 तारीख से लेकर 13 फरवरी तक देखा जाए तो आप अपने काम में बिजी रहेंगे, 9 to 6 की जॉब करते रहेंगे, बाकी नॉर्मल सेल रहेगी, कभी आवाजाही रहेगी, कभी दूसरे शहर में यात्रा करनी पड़ेगी, कहीं बाज़ार में यात्रा करनी पड़ेगी, यानी 13 फरवरी तक सब कुछ नॉर्मल रहेगा जैसा होता आया। 14 तारीख से और 29 फरवरी तक सूर्य शनि की युति का योग बन रहा है, यानी सूर्य और शनि दोनों ही कुंभ राशि में आ जाएंगे, यहाँ पर आपके काम में कठिनाई होगी, बॉस किसी बात को लेकर आपके नाराज़ हो सकते हैं, किसी झूठ को पकड़ सकते हैं आपका, और आपसे ज़बरदस्त आपको डांट लग सकती है, आपसे नाराज़ हो सकते हैं, तो थोड़ा 14 तारीख के बाद आप किसी भी गलत काम में अगर इन्वॉल्व है तो उससे दूर हो जाए, नहीं तो आपको बहुत दिक्कत आएगी, नौकरी खतरे में पड़ सकती है, नौकरी में दिक्कत हो सकती है, बॉस आपसे नाराज़ हो सकता है, हम आपको सावधान कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य जीवन में चंद्र केतु आपके सप्तम भाव में मीन राशि वालों आपके पड़ रहा है, यानी कि प्रेमी प्रेमिका लव कपल के बारे में बात करें तो फरवरी के महीने में एक तो आपके पार्टनर की माता की हेल्थ के इशू रह सकते हैं जिससे आपका पार्टनर थोड़ा दुखी रह सकता है, ये एक तो योग बन रहा है, साथ ही साथ आपके पार्टनर को भी हल्की चोट लग सकती है, बाकी रिलेशन फरवरी के महीने में ठीक ठाक है। पति पत्नी हस्बैंड वाइफ के बारे में बात करें तो 3 घटनाएं होने के फरवरी में योग बनते हैं। पहला, अगर पार्टनर के नाम से प्रॉपर्टी से रुका हुआ काम, कोई रुका हुआ काम फरवरी के में बनता हुआ नजर आ रहा है, यानी पत्नी पति पत्नी के नाम से कोई रुका हुआ काम है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा, आपका पार्टनर अपने परिवार से संबंधित, आपसे संबंधित कोई खुशखबरी आपको फरवरी में देने वाला है और आपको सरप्राइज करने वाला है। साथ ही साथ देखा जाए आपके पार्टनर के कार्य में परिवर्तन होने वाला है, नया जॉब का ऑफर आपके पार्टनर को आएगा, वो आपको बताएगा। तो कुल मिला के पति पत्नी का जीवन तो अच्छा है, बस थोड़ा सा प्रेमी प्रेमिका को का जीवन फरवरी का महीना बहुत अच्छा नहीं है। आप बात कर लेते हैं उन लोगों की जो अपनी फैक्ट्री, दुकान या अपना ही काम करते हैं, तो उनके जीवन में फरवरी में 4 बड़ी घटनाएं होने के योग नज़र आ रहा है। पहला, अचानक ही व्यापार का रेनोवेशन का योग नज़र आ रहा है, या काम से संबंधित आप कुछ खरीदारी करने वाले हैं ऐसा योग नज़र आ रहा है जिससे आपका बजट भी बिगड़ सकता है। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक आइटम या सामान की खरीदारी आपकी होगी। तीसरा, आप किसी नए प्रोडक्ट को लेकर या खूब मार्केटिंग कराने वाले हैं, कुल मिला के खूब मार्केटिंग में आपका पैसा खर्च हो रहा है फरवरी के महीने में। साथ ही साथ पुराना काम भी आपके पास लौट के आएंगे, पुराना ग्राहक भी आपके पास लौट के आएंगे, तो कुल मिला के खर्चे तो हो रहे हैं लेकिन नया कुछ इनोवेशन फरवरी के महीने में होगा, यानी कि कुछ खर्चे करके आप कुछ नया इनोवेशन करने वाले हैं। फरवरी का महीना बड़ा इनोवेटिव महीना रहेगा। और मित्रों, यदि आपको मेरा साप्ताहिक मासिक राशिफल अच्छा लगता है तो मेरे पेज से जरूर जुड़े, मुझसे जरूर जुड़े। जय माता दी।